नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आज मैं हूं उत्तराखंड के जिला नैनीताल के बेताल घाट में, जहां आज तक हमारे पहाड़ के जो युवा साथी थे वो हमेशा या तो जॉब करते थे बाहर, या फिर कोई और साधन जो रोज़गार के हो बाहर ही करते थे। जहां तक हो स्वरोज़गार की तरफ काफ़ी कम लोग आकर्षित थे, लेकिन पहली बार एक हमारे बेताल घाट के जो भाई हैं, इधर पास के गाँव के हैं, इनका कहना है तो इन्होंने अपने स्वरोज़गार की तरफ ये बढ़े हैं और बेताल घाट में पहली बार द पहाड़ी सैलून के नाम से यहाँ पर इन्होंने खोला है। तो एक काफ़ी आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। आपने काफ़ी फेसबुक के माध्यम से और साधनों के माध्यम से देखा होगा, ये काफ़ी चर्चित आजकल पोस्ट फेसबुक में चल रही है। तो आइए हम बात कराते हैं इन्होंने जिसने खोला हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है ऊपर, पलायन रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो ये एक स्वरोज़गार की तरफ बढ़ रहे हैं पहाड़ के हमारे भाई जो हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, अंदर लेके जाते हैं। तो इस तरह काफ़ी अच्छा इन्होंने जो शोरूम टाइप का खोल रखा है, और ये पहली बार बेताल घाट में किसी ने खोला है, नहीं तो आज तक यहाँ पर जो था बाहर के लोग ही इसको अक्सर ऐसे कार्यों को करते हुए आए हैं। ये पहली बार बेताल घाट में किसी ने द सैलून के नाम से अपने पहाड़ के व्यवसाय के लिए कार्य शुरू किया हुआ है। तो पंकज भाई, नमस्कार राजू। नमस्कार। तो ये है पंकज जिन्होंने ये पहाड़ी सैलून खोला है। तो पहले आप कहाँ जॉब करते थे, क्या करते थे, आप अपने बारे में जरा हमको बताएंगे विस्तार से। सर, मैं यहाँ पर चड़ियोगरणी हुआ है, चड़ियो बेतालघाट तहसील में चड़ियो गांव पढ़ूँ। तो मैं पहले जॉब नौकरी करती बिहार रुद्रपुर में नौकरी करती। तो जिसके लॉकडाउन हो उसके हम सब लोग घर में आ गए अपन, तो सब बेरोजगार है यहाँ। तो फिर धीरे धीरे वो मैं सोचा कि यार अपना स्वरोजगार करना चाहें किन किन। तो वो का मकसद मैं थोड़ा बहुत हलचल सीखूँ है कोई सैलून का काम। तो ये बात में मैं सोचा अपन शहर में करी जाओ बेतालघाट क्षेत्र में, तो काफ़ी अच्छे फल हल हुई, तो काफ़ी लोगों को सीख मिले और हमारे यहाँ लोकल लोग यहाँ यहीं काम कराल। तो ये मकसद छी मेरे खुलणों। तो बहुत काफ़ी टाइम लगा शुरू करण में, तो आज हम पहाड़ी द पहाड़ी सैलून नामल सैलून खोले हैं यहाँ। तो आज कतु दिन है कि तुमको खोली है दुकान के अपन? इनमें है कि कम से कम 4-5 दिन है कि शुरू करी हुई। तो ये उद्घाटन के विधायक जी द्वारा करा तुम बोले? हो, माननीय विधायक जी और पीसी गोरखा जी अर्ची यहाँ उद्घाटन करूँ। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ ग्राहक ले रही कुछ हम इन्होंने बात करना चाहूँ। तो दाजू, तुमको कौन सा लागू है कि तुम पहली बार अपन पहाड़ी लोगों हाथल दाढ़ बनवाना चाहे या शेविंग करवाना चाहे बाल कटिंग कराना, तो कौन महसूस कर रहा तुम? मुझे बहुत बढ़िया लगा थे, और सबसे बढ़िया बात ये लगी कि मतलब बेताल घाट क्षेत्र में और पहली बार ये पहाड़ी आदमी मतलब दुकान खोल रहे, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और काम देखने की मतलब साफ काम हो रहा है, और जो एल नती दिखने की जो मैं अभी दाढ़ी बनाई जो बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी आधी दाढ़ी बनी है अभी, बहुत बढ़िया लगा मतलब जो कि मतलब पहाड़ आदमी स्वरोजगार जी, तो बहुत बड़ी लागू मुका। तो दूसरी बात ये है कि जो मतलब आपने लोकल में कराया, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इन्होंने खोला तो अच्छा है, हो सकता है इन्होंने रेट काफ़ी महंगे करे हों। तो रेट क्या रखा है आपने अभी? रेट दाजी हम लोग वही नॉर्मल रेट रख रही, 40 रुपये भाव कटिंग है गए और 30 रुपये दड़ बनाई है गए। ठीक 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 जी। बाकी जो अदर काम हो गए, बाकी जो अदर काम हो गए वो अपनी सर्विस के हिसाब से नॉर्मल रेट है जो क्षेत्र में चलते हुए नॉर्मल रेट जी। ठीक। तो अभी और भी हमारे सामने यहाँ पर ग्राहक और भी सेविंग बना रहे हैं, तो एक मिनट हाँ जरा मैं बात कर लूँ इनसे भाई साहब से। तो दाजू, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पहली बार आप पहाड़ी सैलून में बना रहे हैं शायद सेविंग? हमें तो बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, कि तो पहाड़ी सैलून अपना शहर में आए। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा। इससे पहले शायद आप बाहर के लोग जो थे उन्हीं लोगों से बनवाया, उन्होंने हमसे ज़्यादा पैसे भी लिए लॉकडाउन में। अच्छा, और एक खतरा भी बना हुआ था लॉकडाउन में कि बाहर के लोग आ रहे हैं, तो इस तरह खतरा भी एक पैदा कर रहे कहीं ना कहीं। हाँ, इस तरह से भी हो रहा था, खतरा तो हुआ ही, बाहर के लोग आएंगे तो वो खतरा के ही लिए आएंगे यहाँ। ठीक ठीक, और कैसे आएंगे। बाकी हमारे वेटिंग पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो भाई साहब आप क्या करवाने आए हैं यहाँ पे अभी? मैं तो दाजू यहाँ लाइन पर ले रूँ। अच्छा, और नंबर है नहीं रोए। अच्छा, अब मुझे सोचा जैसे नंबर आलो पर हम लोग अपन कुर्सी में बैठ गए, अपने दाढ़ी बाल बुना लू। अच्छा, तो तुमको कौन सा लागो पहली बार? तो पहाड़ी दाजू बहुत बढ़िया लागो, ये तो बढ़िया लागो से कि पूछा नहीं। अच्छा, हम भैल पहाड़ भैल से हमारे पहाड़ भैल अपन दुकान खोलते हैं और हमको बहुत बढ़िया लागो, बड़ी खुशी है हमको। अच्छा हो, तो दाजू तुम क्या बना? बहुत ही अच्छा लग रहा हमारे बेताल घाट क्षेत्र में जो पहाड़ी सैलून के नाम से ये यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, और हम गौरवान्वित भी हैं कि हमारे जो प्लान पहाड़ से बढ़ रहा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत कमी आएगी। ऐसे में अन्य अपने कारीगरों से, जैसे हमारे सामने में भाई गिरीश भाई ने लोहार की दुकान खोल रखी है, जैसे मैं एक जगरिया हूँ, तो हमने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए और ख़ुद के हमने और भी नए स्तर से ये जो बाहर से हमें, एक तो हिंदू जो हमारा हिंदू है उसका भी गौरवान्वित होता है कि यार अपने पहाड़ी सैलून के द्वारा हम अपने बाल काट रहे हैं या बिल्कुल स्वतंत्र हैं,
और हम सही सेफ हैं और हमारा धर्म भी कहता है। और जो बाहर के जो आते हैं थोड़ा सा उनमें झिझक तो होती है। हाँ मतलब आता ये था ना हमारे पहाड़ में लोगों को शर्म लगती थी, चाहे कोई भी काम हो इस काम को करे। आज ये पहली बार शर्म नहीं लगनी चाहिए, और एक शर्म तो एक ही चीज़ से होनी चाहिए, चोरी करना, बुरा काम करना, इससे शर्म होनी चाहिए। और बाकी सारे काम हमने करने चाहिए और इससे हमारा पहाड़ का प्लान 100% रुकेगा। तो काफ़ी अच्छी बात करी यहाँ पर इन भाई ने। तो आप भी दादी सर वेटिंग में, हम भी। अच्छा तो दड़ बनाने या दड़ बनाना है रूम। अच्छा तो कोई लगना तुमको पहली बार? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पहाड़ी सैलून खोला है। अच्छा तुम लोग दड़े बाओ अपन बा, ये जो आए हुए हैं यहाँ पर उनसे बनाते थे। अच्छा अब यहाँ पर खुल गया था पहाड़ी सैलून, तो यहीं पर आए हैं। ठीक ठीक। और दादी आप बहुत मकड़ी बहुत तो बढ़िया लग रहा हूँ कि हमारे भाई लोग पहाड़ पर पलायन होना, कोई बिहार नौकरी करे, कोई होटल में भन माजू जाना, कोई के करना, आप घर के जो पलायन रोकना जो पहली पहल उठे बहुत तो बढ़िया। ये लीजिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। एल मैं 12 बजे पर बैठ रही हूँ, बाल बना हूँ तो लाइन लग रहा है कि 2-3 घंटे वो दुकान है गिन ली, लेकिन मैं यहाँ बहरी की मैं तो खुशी है कि हमारे भाई लोग के तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से ऐसे पलायन रोकना जी। हमारे भाई लोग जो ये काम करनी बहुत बढ़िया, हमारे गाँव में और काम थी जो आदमी पलायन रोकना जी और काम न करिए, बहुत तब बढ़िया पहल उठा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोग जो ये सब पहले पलायन रोकना जी तुम जो कार्य कर रहे हो बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी एक अच्छा मोटिवेशन संदेश है। इतने लोग यहाँ पर वेटिंग है, लोग और जगह छोड़ के अपने पहाड़ी सैलून की तरफ को आ रहे हैं और देख रहे हो लोग काफ़ी खुशी से यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं, अपना दाढ़ी बनवा रहे हैं, अपने बाल बनवा रहे हैं। तो ये काफ़ी मैं और लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप पहाड़ में जो कार्य करने से आप शर्माते हैं, चाहे मिस्त्री का हो, चाहे लोहार का हो, चाहे मुर्गी काटना, बकरी काटना, बाहर के लोगों से तो आप खरीद रहे हो लेकिन खुद करने में कार्यों को श्रम महसूस कर रहे हो। तो ये सब चीज़ छोड़ के अगर आप पहाड़ में स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अच्छा संदेश दे रखा है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनिए, तो ये आत्मनिर्भरता की ओर में जो ये कदम है ये काफी अच्छी पहल है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं पंकज आपको ढेर सारी। धन्यवाद, और धन्यवाद। आप आगे भी कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने और भाइयों को जो शर्माते हैं ऐसे पहाड़ी कार्यों को लेके? मैं अपन सबूत दगड़िया हूँ कहना चाहता हूँ कि जतुल पलायन यहाँ बटी होना हमारे क्षेत्र बटी उत्तराखंड बटी, तो हम लोग खुद स्वरोजगार कर भी रोक सकनू यहाँ। यही पहल हम उठा रहे हैं कि यहाँ बेतालघाट बटी, तो हमारे दगड़ी का अखिल बढ़ाओ और उत्तराखंड को सेव करो और पलायन रोकने की कोशिश करो हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का वीडियो अपने और मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए ताकि ये संदेश हमारे पूरे उत्तराखंड में जाए। जो पहाड़ी लोग आज तक शर्माते थे ऐसे कार्यों को लेके, वो ना शर्माएं और ऐसी पहल शुरुआत करें, ये पलायन रोकने में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। द पहाड़ी सैलून, जिसका उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को नैनीताल विधायक श्री संजीव आर्या और राज्य दर्जा मंत्री श्री पीसी गोरखा जी के कर कमलों द्वारा किया गया। मंत्री महोदय और विधायक जी ने स्थानीय लोगों से भी ये आग्रह किया है कि पहले जो लोकल स्थानीय लोग अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं उनको पहले मौका दिया जाए। वोकल फॉर लोकल, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका सांसद में जिक्र किया था, उसी को ये बढ़त को लेके आज सभी युवा अपने क्षेत्र में स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों से भी हमारा निवेदन है कि वीडियो अपने और मित्रों तक भी अवश्य शेयर कीजिए। जिस तरह से हम पहाड़ में अपने इन छोटे मोटे कार्यों को लेके शर्माते हैं या फिर झिझकते हैं, उन्हें छोड़कर स्वरोजगार की तरफ अगर आगे बढ़ें तो एक न एक दिन हमारा जो उत्तराखंड से लगातार पलायन हो रहा है वो पलायन कहीं ना कहीं रुक जाएगा, लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे और खुद का रोजगार करके अपने ही क्षेत्र में कुछ कमा सकेंगे।